जय हिंद दोस्तों, आज हम ध्रुव राठी को एक्सपोज करने वाले हैं पूरे प्रूफ के साथ। ध्रुव राठी ने बीजेपी के ऊपर, मोदी गवर्नमेंट के ऊपर जितने भी आरोप लगाए हैं वो ज्यादातर गलत हैं। हमने पूरी रिसर्च करके वीडियो बनाया है ताकि सच्चाई आपके सामने आए। इस वीडियो में हमने पूरे प्रूफ के साथ ध्रुव राठी के झूठ को पूरी तरह से एक्सपोज किया है। मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो आप पूरा देखना, अच्छे से देखना और सबके साथ शेयर जरूर करना ताकि सच्चाई सबके सामने आ जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी फिलहाल ध्रुव राठी ने आरोप लगाया कि इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी ने बहुत ज्यादा खर्च किया है, तो इनको इलेक्शन कमीशन ने अलाउ कैसे कर दिया इतना अमाउंट खर्च करने के लिए। पहले ध्रुव राठी का वीडियो देख लेते हैं, उनका आरोप समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसके पीछे की सच्चाई आपको दिखाएंगे। आज के दिन इलेक्शन कमीशन ने इस चीज पर भी एक लिमिट लगाई हुई है कि एक एमएलए इलेक्शन और एक एमपी इलेक्शन में कितना पैसा खर्च किया जा सकता है। एमपी इलेक्शन में लिमिट 95 लाख रुपीस पर है। बीजेपी ने 437 सीट्स पर चुनाव लड़ा, तो पार्टी की जो टोटल स्पेंडिंग है वो 415 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन कितना पैसा इन्होंने खर्च किया, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर लिखा हुआ है 1264 करोड़ रुपीस। कैसे अलाउ किया इलेक्शन कमीशन ने? बीजेपी ने इतना ज्यादा खर्च किया है तो इलेक्शन कमीशन ने कैसे अलाउ कर दिया? अब सबको ये लगेगा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, बीजेपी के तरफ बायस्ड है, बट ऐसा नहीं है। इसके पीछे की अब हम सच्चाई जानते हैं। हम गूगल में आ जाते हैं और ऑफिशियल साइट में चले जाते हैं। तो ये रहा हमारा ऑफिशियल साइट, यहाँ पे हम अंदर आ गए हैं और लिमिट है 95 लाख। हाँ, ये तो सही कहा ध्रुव ने, बट यहां पर ये भी पढ़ो, ये कैंडिडेट के लिए लिमिट है। नीचे भी लिखा हुआ है स्पेसिफिकली ये लिमिट कैंडिडेट के लिए है। अब क्या पॉलिटिकल पार्टी का लिमिट है? नहीं। ये देखो, यहाँ पर लिखा है डज नॉट डायरेक्टली लिमिट द इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज कितना भी खर्च कर सकता है, उसमें कोई कैप नहीं है। वो कैप सिर्फ एक इंडिविजुअल कैंडिडेट के ऊपर है। यहाँ पर भी देखो, देयर इज नो लिमिट ऑन द एक्सपेंडिचर दैट अ पार्टी कैन इनकर ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन्स। कांग्रेस और बीजेपी दोनों भी अनलिमिटेड खर्च करते हैं, आप जाकर के देख सकते हैं उनका एक्सपेंडिचर। तो पार्टी का कोई कैप नहीं है, पार्टी का कोई लिमिट नहीं है। बट यहाँ पर ध्रुव राठी ने अच्छे से मैनिपुलेट करते हुए ये बता दिया कि बीजेपी ने बहुत ज्यादा खर्च किया है और इलेक्शन कमीशन इसको सपोर्ट कर रहा है, मतलब बायस है। तो आप समझ सकते हो कि इनका कहना क्या है, ये गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं। जैसे इन्होंने बताया वीडियो में अच्छी तरीके से, कोई भी बंदा देखेगा तो क्या सोचेगा, हाँ यार ये तो बहुत सही बोल रहा है। मतलब इलेक्शन कमीशन भी मिला हुआ है बीजेपी के साथ और बीजेपी झोलझाल करके ही वोट जीतती है, तो अपना रिसर्च खुद करे, ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे आरोप पर। एक्सिस माई इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्जिट पोल बनाती है, जिनके फाउंडर ओनर है प्रदीप गुप्ता। एक्सिस माई इंडिया एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्यूरेट एग्जिट पोल बनाती है। तो लोगों को पता है कि एक्सिस माई इंडिया के नाम से कोई भी रिपोर्ट आएगा वो एक्यूरेट ही रहने वाला है। तो इनका नाम लेकर के, मतलब एक्सिस माई इंडिया के नाम से एक फेक रिपोर्ट बनाया गया जो कि प्री पोल रिपोर्ट है, मतलब इलेक्शन के पहले। और एक्सिस माई इंडिया हमेशा एग्जिट पोल बनाता, मतलब इलेक्शन के बाद, पर इलेक्शन के पहले ही फेक रिपोर्ट बनाया गया एक्सिस माई इंडिया के नाम पर। और इसमें रिपोर्ट में ये बताया गया कि बीजेपी बहुत सारे स्टेट्स में हार रही है। और जैसे कि मैंने बताया कि एक्सिस माई इंडिया एक रिनाउंड कंपनी है, तो ये सोशल मीडिया में ये फेक रिपोर्ट वायरल हो गया और लोगों को सच में लगने लगा कि बीजेपी सच में हार रही है। और ये रिपोर्ट सबसे पहले ध्रुव राठी के वीडियो में आया था, वही ये रिपोर्ट का प्रचार कर रहा था। इतना सब होने के बाद एक्सिस माई इंडिया के ओनर प्रदीप गुप्ता सोशल मीडिया में आकर के ये खुलासा करते हैं कि ये रिपोर्ट फेक है, एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल बनाती है, प्री पोल नहीं बनाती, तो ये एक फेक रिपोर्ट है। इसके आगे भी बहुत कुछ है, आप ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना और पूरी वीडियो जरूर देखना, क्योंकि कंक्लूजन सुनोगे तो आपके होश उड़ जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ध्रुव राठी ने तजेंद्र बग्गा के ऊपर एक ट्वीट किया था जो एक बीजेपी के लीडर है। ठीक है, बीजेपी के लीडर है तो ये पकड़े गए हैं चीप चाइनीज मेड ज्वेलरी जो 5 गुना ज्यादा प्राइस में बेचकर इंडियंस को फूल कर रहे हैं और वो अपने सेल्स को फेक कर रहे हैं और इनकी ग्राफिक्स भी मैच नहीं कर रहे, दूसरे वेबसाइट से कॉपी पेस्ट किया गया, ये उनका कहना था। अब हम इसकी सच्चाई जान लेते हैं। नागेश वी ने उनका ट्वीट देखा और देखो नागेश वी का क्या कहना है। रिसेंटली उन्होंने तजिंदर बग्गा के ऊपर ऑनलाइन स्टोर चीटिंग फेक सेलिंग आइटम का आरोप लगाया था। इन्होंने उसको कंपेयर करके बताया कि ये दूसरे वेबसाइट से कॉपी हुआ है, वो इतने ज्यादा जल्दी में थे कि वो वेरीफाई ही नहीं कर पाए कि वो क्या पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर वो सेल्स रिपोर्ट है, थैंक्स ट्रोल्स फ्रॉम लास्ट 3 डेज आवर सेल इंक्रीज 200%। और ये वाला डैशबोर्ड
दिखाया गया, ठीक है। और यहाँ पर ध्रुव राठी बोल रहे हैं कि तजिंदर बग्गा ने सेल्स ग्राफिक यहाँ से कॉपी किया। ध्रुव राठी इतने जल्दी में थे कि उन्होंने अपना ट्वीट चेक किया ही नहीं, जस्ट बिकॉज दोनों ग्राफ सिमिलर दिख रहे थे तो ध्रुव सोच रहे थे कि अच्छा अपॉर्चुनिटी है और थोड़ा नाम कमाने का। ये एनालाइज किया नागेश वी ने और उनके ट्वीट पे रिप्लाई किया। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ तजिंदर बग्गा, एक्चुअली आई डोंट इवन नो हिम, बट दी ग्राफिक्स यू हैव गिवन शुड बी आइडेंटिकल टू एटलीस्ट से ही इज कॉपीड, डोंट यू थिंक यू आर दी वन कॉट लाइंग अगेन। तो इन्होंने जैसे ही रेस्पॉन्ड किया, ध्रुव राठी ने वो ट्वीट अपना डिलीट कर दिया, मतलब रेड हैंडेड पकड़े गए। तो एक भी मौका नहीं छोड़ते ध्रुव राठी बीजेपी को बदनाम करने के लिए। यही नहीं, आगे की वीडियो में और भी बहुत चीज का खुलासा करने वाले हम, तो वीडियो पूरा जरूर देखना, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। 6 साल पहले ध्रुव राठी का क्या कहना था कांग्रेस के बारे में, वो सुन लेते हैं। करप्शन के मामले में तो दोस्तों आपको पता ही होगा कांग्रेस का क्या हाल था। इन 10 सालों में जितना करप्शन हुआ है उतना शायद किसी भी टाइम पे इंडिया की इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में किसी और सरकार ने नहीं किया। 2G स्कैम, 3G स्कैम, आदर्श स्कैम, सत्यम स्कैम, कोलगेट स्कैम, CWG स्कैम, सोलर स्कैम, कैश फॉर वोट स्कैम, स्कैमों की गिनती नहीं खत्म होती है। तो जाहिर सी बात है इस एरिया में कांग्रेस सिर्फ एक 0 नंबर डिजर्व करती है। गजब टू बी वाज आदमी। तो सुन लिया कि इनका क्या कहना है कांग्रेस के बारे में। पहले ये कांग्रेस के ऊपर भी वीडियोस बनाते थे बट उतना व्यूज नहीं आता था। अब इन्होंने बीजेपी को पकड़ लिया और बीजेपी के ऊपर वीडियोस बनाने लग गए और ये काफी फेमस हो गए। तो आप समझ रहे हो, जो ज्यादा फेमस है, जो ज्यादा लोकप्रिय है, उनको डिफेम करो तो आपके वीडियोस ज्यादा देखे जाएंगे, ज्यादा शेयर होंगे। ये चीज आप ध्यान में रखना क्योंकि कंक्लूजन तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट के ऊपर इन्होंने क्या कहा और इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होने के पीछे किसका हाथ है, इस पे ध्रुव राठी ने क्या कहा, ये सुन लेते हैं। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को बिना मनी ट्रेल और बिना कन्विक्शन के अरेस्ट कर लिया गया। अरे ऐसे कैसे अरेस्ट कर लिया, तो अब सच्चाई जान लेते हैं। कोर्ट में किसी को भी एज अ क्रिमिनल लेकर जाते हैं तो जज देखता है कि किस आधार पर इसे अरेस्ट किया गया है, इसका क्राइम क्या है, उसके बाद ही रिमांड या जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है। इतने बड़े नेता का केस है, ऑडिट एंड चेकिंग जरूर हुई होगी और साफ साफ लिखा है इनको लिखर ग्राफ्ट केस में अरेस्ट किया गया है। अब आ जाते हैं इलेक्शन कमिश्नर पे। 3 में से 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को प्रधानमंत्री मोदी की मर्जी के अनुसार अपॉइंट किया गया। ध्रुव राठी ये बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर को प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार अपॉइंट किया गया है, तो इसके पीछे की सच्चाई जान लेते हैं। इलेक्शन कमिश्नर के सिलेक्शन में ऑपोजिशन के लीडर भी शामिल रहते हैं और इस बार अभिनंदन चौधरी जो एक कांग्रेस के लीडर है वो भी मौजूद थे। पीएम की मर्जी नहीं चलती वहां पर, कुछ प्रोसीजर होता है, कुछ प्रोटोकॉल होता है, उसको देखरेख करते हुए इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है और ओपोजिशन तो वहां पे रहते ही है। तो ध्रुव राठी जो बोल रहे हैं उसका कुछ बेस नहीं है। ऐसे कैसे पीएम अपनी मर्जी से जाकर के इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर देगा, तो ये हो ही नहीं सकता। अब हम आगे बढ़ते हैं। मोदी मीडिया के एंकर अपनी तरफ से कोशिश पूरी करते हैं झूठी खबरें फैलाने की, समाज में नफरत का जहर घोलने की। रुपए के गिरने के फायदे बताते हैं, महंगाई पर सरकार को डिफेंड करते हैं। रुपए के गिरने के अगर नुकसान है तो कुछ फायदे। ध्रुव राठी का ये कहना है कि बीजेपी गवर्नमेंट के रूल में रुपए का वैल्यू कम हो गया, बट रुपए का वैल्यू कम होना बहुत सारे फैक्टर से रिलेट करता है और ये अच्छी बात भी है। अब इसका प्रूफ हम आपको क्या दे, आप ध्रुव राठी के मुंह से खुद से सुन लीजिए। इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, मेजॉरिटी एम्प्लॉयमेंट मिलती है लोगों को, जो कि है सर्विस सेक्टर, हमारा आईटी सेक्टर। इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंडिया प्रेफर करता है कि रूपी वीक ही रहे। इससे पता चलता है कि करेंसी का वीक होना या स्ट्रांग होना कोई बड़ा इंडिकेटर नहीं है कंट्री के डेवलपमेंट को लेकर। मतलब इनको खुद को ही याद नहीं है कि इन्होंने वीडियो बनाया था इसके ऊपर, जिसके ऊपर पॉजिटिव चीजें बताई थी रुपए के नीचे गिरने पर। अब आगे सुनो ये क्या बोल रहे हैं वीडियो में, ध्यान से सुनो। इसके बाद इनके कुछ यूजुअल जुमले हैं दोस्तों, जो ये हर 5 साल बाद फेंकते हैं, जैसे कि आर्टिकल 370 हटा देंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएंगे, राम मंदिर बनवा देंगे। इनफैक्ट ये राम मंदिर वाली चीज तो 1996 से चली आ रही है, 1996 से लेके आज तक दोस्तों हर मैनिफेस्टो में इन्होंने राम मंदिर वाली बात मेंशन करी है। इनका ये भी कहना है कि ईवीएम इजीली हैक करी जा सकती है और रूलिंग पार्टी जो कि बीजेपी है वो ईवीएम हैक करके ही जीत रहे। तो इनको याद दिला दें कि 2014 में भी वोटिंग ईवीएम के थ्रू ही हुई थी, तब कैसे बीजेपी जीत गई, तब तो रूलिंग पार्टी कांग्रेस थी। तो ये कुछ भी कहते हैं बीजेपी के खिलाफ, इनके यूट्यूब में जाकर के वीडियो चेक कर लो, 90% ऑफ द वीडियोस इन्होंने बीजेपी और मोदी के ऊपर बनाए हैं।
और जैसे ही इलेक्शन करीब आते जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो मोदी के ऊपर और बीजेपी के ऊपर बना रहे हैं और नेगेटिव मार्केटिंग कर रहे हैं। तो उसका दो कंक्लूजन हो सकता है, एक तो कांग्रेस की तरफ से इनको सपोर्ट मिल रहा है, फंड्स मिल रहा है, जो कि कांग्रेस इनको बोल रही है कि आप नेगेटिव मार्केटिंग करो बीजेपी के लिए, क्योंकि कांग्रेस के पास खुद के मार्केटिंग कुछ स्ट्रांग नहीं है और ध्रुव राठी के वीडियोस सब लोग देखते हैं। या तो सेकंड ये हो सकता है कि ध्रुव राठी ये पर्सनल ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, जैसे कि हमने देखा पहले ये कांग्रेस के ऊपर भी भला बुरा बोलते थे, गलत शब्द बोलते थे। इनको पता है कि फेमस पर्सनालिटी, फेमस चीज को डिफेम करोगे तो आप फेम में रहोगे, हमेशा आपको लोग आकर के देखेंगे, कंट्रोवर्सी ज्यादा देखते हैं, नेगेटिव मार्केटिंग ज्यादा देखते हैं, किसी के बारे में आप अच्छा बोलो ज्यादा व्यूज आपको नहीं आएगा। तो पहले ये कांग्रेस के लिए करते थे, अब ये बीजेपी के लिए करने लग गए और इनको पता चल गया है कि बीजेपी का नेगेटिव मार्केटिंग करने, मोदी के बारे में खास करके बोलने, इंडिया से ही नहीं बाहर से भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि मोदी विश्व में फेमस है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, सिर्फ भारत में ही नहीं, तो इनको बहुत अच्छे व्यूज मिल रहे हैं, अच्छे लाइक्स मिल रहे हैं और जो भी लोग इनको देखते हैं सुनते हैं उनको लगता है कि बहुत सही चीज बता रहे हैं, बट उसके पीछे की सच्चाई भी देखने नहीं जाते, इतने ज्यादा डिपेंडेंट, इतने ज्यादा भरोसा करने लग गए हैं ये ध्रुव राठी पर। आज हमने ये वीडियो में इनका पर्दाफाश किया कि इनका आरोप जो भी ये लगाते हैं वो गलत है। तो ये वीडियो दोस्तों सबके साथ शेयर होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इसको, ये वीडियो को लाइक जरूर करना और बेस्ड ऑन फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ये भी बता देना कॉमेंट सेक्शन में जाकर के कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, ताकि हम आगे भी ऐसे वीडियोस बना सके। तो दोस्तों हमें सपोर्ट करते रहो, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।